हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं फिश का अंडा का ऑमलेट, जो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने बना के बता रही हूँ। देखिए इस तरीके से हम बनाएंगे। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और ये रेसिपी बहुत जल्दी बनता है और ये बहुत टेस्टी भी लगता है। बहुत टेस्टी भी लगता है। तो चलिए इस टेस्टी रेसिपी को जल्दी से बनाते हैं और देखते हैं इसे बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने फ़िश का अंडा लिया है और इसे मैंने धो लिया है। अभी से हम जो साइड साइड में ब्राउन ब्राउन दिख रहा है, जो भी जाली दिख रहा है, इसे हम ऐसे नोच नोच के निकाल लेंगे और ये इजली निकल जाएगा। जो रह जाएगा इसे हम मैश करते वक्त निकाल लेंगे, वो भी निकल जाएगा इजली। देखिए मैंने मैश किया है और ये इजली निकल जाता है आराम से। इसी तरीके से इसे हम मैश करेंगे। देखिए एक जगह इकट्ठा हाथ में हो जाता है, इसे हम फेंक देंगे। देखिए इतना हमारा अंडा निकला है। अब इसमें ऐड करेंगे हम मसाला। मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है 1 टेबल स्पून भर के, हल्दी पाउडर थोड़ा सा, लाल मिर्च टेस्ट के हिसाब से रखिएगा, तीखा खाते हो कम या ज़्यादा, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक स्वादानुसार और हरी मिर्च मैंने ऐड किया है 5-6 और धनिया पत्ता। ये सारा कुछ डाल के अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए सर मैंने मिक्स कर लिया है। मैंने एक आयरन का तवा लिया है, इसके ऊपर ऑयल डाला है, ऑयल को सब तरफ फैला लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, एक साथ में पूरा ऐड नहीं करेंगे। और इसे हम चम्मच की मदद से फैला लेंगे और ध्यान रखें इसे छोटे चम्मच से ना फैलाएं, ये बहुत उड़ता है। तो आप इधर उधर अच्छे से इसे आसानी से फैलाएं और फैलाते वक्त गैस के फ्लेम को लो रखें। उसके बाद आप मीडियम फ्लेम पर इसे बना लें। देखिए ये अच्छे से पूरा फैल गया है। अब इसे हम एक साइड से होने देंगे मीडियम फ्लेम पे। देखिए जब ये हो जाएगा तो ऊपर का ड्राई हो जाएगा, तो इसे हम टर्न कर लेंगे दूसरे साइड से। देखिए ये हो गया अच्छे से। इसे हम दबा दबा के भी दोनों साइड से ही सेकेंगे। देखिए मैं आपको टर्न करके दिखा रही हूँ, देखिए दूसरे साइड से भी कितने अच्छे से हो गया है। और जो जो बचा है पकने में, अगर कोई कमी है तो इसे हम दबा दबा के भी अच्छे से और बना लेंगे दोनों साइड से। देखिए तो ये बन के रेडी हो चुका है। अगर आप चाहे तो ऐसे भी निकाल लें या फिर इसको पीस में कट कर लें। तो मैंने इसे पीसेस में कट कर लिया है इसी तरीके से। और आप चाहें तो इजली कट हो जाएगा, ये ठंडा होने के बाद आप इजली इसे कट कर सकते हैं, लेकिन मुझे दिखाना था इसलिए मैंने इस तरीके से कट करके आपको दिखाया है। देखिए ये इजली निकल जाता है। तो देखिए मैंने इसे बना के रेडी कर लिया है। तो वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।